अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाएंगे। इसके लिए हमने लिए हैं चार ये बड़े बैंगन, ये करीब 400 ग्राम है। दो आलू लिए हैं, चार बड़े टमाटर लिए हैं, हरी मिर्चें लिए हैं हमने 6। इसमें इसको हमने रफली काट लिया है। हल्दी पाउडर लिया है 1 चम्मच, धनिया पाउडर लिया है 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा पाउडर है, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है और 1 चम्मच ही नमक है। यह अपनी टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। टमाटर हमने बारीक बारीक काट लिए हैं। अब हम एक पैन में तेल डालते हैं। हमने 2 बड़े चम्मच तेल के डाल दिए हैं। तेल गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे जीरा, थोड़ा सा हो जाए हिला देंगे थोड़ा। इसी के साथ हम डालेंगे हरी मिर्चें, हरी मिर्च थोड़ी सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसको चलाएंगे सिर्फ 2 मिनट। अभी टमाटर इसमें बारीक कटे हुए इसमें शामिल कर देंगे। इसी के साथ हम नमक शामिल करेंगे 1 चम्मच। नमक डालने से टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। अब टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसे कवर कर देंगे। चेक करते हैं हम टमाटर को। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे। अब हम इसमें बाकी मसाले डालते हैं। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। भूनते हैं इसको। थोड़ा सा पानी डाल के चुके हैं। हमने मसाले को भून लिया अच्छी तरह से, ये भून चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे बैंगन, काट लिए। जब भी आप बैंगन काटें तो नमक वाले पानी में इसको काटें ताकि इसकी वजह से काले नहीं पड़ते। इसमें हम शामिल करेंगे अगर आप वैसे ही काट लेंगे तो बैंगन काले पड़ जाएंगे कलर इसका। ऐसे ही हमने आलू कट कर लिए, ये आलू भी इसमें शामिल कर देंगे। चलाएंगे इसे अच्छी तरह थोड़ी। एक कप पानी का शामिल कर देंगे। उसको गलने के लिए ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। 5 मिनट इसे कवर कर देंगे। 5 मिनट के बाद हम बताएंगे आपको खोल के। हमारी सब्जी तैयार होती है। इधर हम रोगरी रोटी तैयार कर लेते हैं। अब हम बनाएंगे रोगने रोटी। ये आलू बैंगन के साथ बहुत अच्छी लगती है।
रोगरी रोटी के लिए हमने ले लिया है आटा, एक बाउल में आटा लिया है। अब इसमें हम डालेंगे घी और नमक डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। रोगरी रोटी घी से ही बनती है, अच्छी खस्ता बनेगी घी से। तेल डालेंगे आप तो वो बात नहीं आएगी जो घी की होती है। अब इसे हम हाथ से भूनेंगे। तैयार हो गया है, देखिए इतना सख्त डो है ये, जैसे बाटी का रखते हैं इस टाइप का इसको रखना है। बस अब हम इसकी रोटी बनाते हैं और धीमी आंच पे इसको सिकने के लिए छोड़ देते हैं। रोटी को पलट देंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे इसको सेकेंगे, धीरे धीरे सिकेगी ये। रोटी हमारी तैयार हो चुकी है, हमने घी लगा दिया इस पर। उतार लेंगे, हो चुके हैं, अब कवर हटा के देखते हैं। आलू बैंगन हमारे तैयार हो गए, गैस बंद कर देते हैं। इसे निकालते हैं, देखते हैं। सब्जी रोगनी रोटी के साथ